नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। हम बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए काफ़ी व्यस्त रहेगा। भाग्य आज आपके पक्ष में है, हालांकि आपकी जो नकारात्मक सोच है वो मन को परेशान करेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना है, परिणाम आपके सकारात्मक ही रहेंगे। ये जो समय है स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, परिवार को आपका पूरा सदस्यों का आपको पूरा समर्थन मिलेगा, मित्र भी आपके पक्ष में रहेंगे। उद्यमियों के लिए दिन अच्छा सफल रहेगा, बेहतर व्यावसायिक प्रस्तावों के भी मिलने की संभावना है। वित्तीय दृष्टिकोण के हिसाब से दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, अतिरिक्त आय के स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। सड़क पर आपको तेज गाड़ी चलाने से बचना है, जोखिम लेने से आपको बचना है। लंबी दूरी की यात्रा करने की आपको योजना बना रहे हैं तो उसके लिए आपको दो से तीन दिन आपको स्थगित करना बेहतर रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है, आपके सभी प्रयास सफल होंगे, समय सौहार्दपूर्ण रहेगा, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा दिन है। किसी भी कार्य को जिसको आप मन बनाना चाहेंगे वो आपको आप पूरी ऊर्जा के साथ उसको पूर्ण करने में आप लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत ही अधिक रहेगा, भावात्मक उत्साह और संतुष्टि आज के दिन की विशेषताएं रहेंगी। पहचान शौहरत और पुरस्कार आदि संभावित है। नए ग्राहकों से व्यापार की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। आज का दिन की गई यात्राएं जो व्यापार से रिलेटेड हैं आपको अनुकूल परिणाम देंगी, आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होंगी। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। व्यावसायिक निर्णय, निवेश और विवादों को निपटाने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल समय है। आप अपने प्रतिनिधियों से दो कदम आगे रहेंगे। नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू और व्यापारिक समझौते के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके लिए पक्ष में रहेंगे। पहचान और सराहना प्राप्त करने के लिए समय उपयुक्त है। आज मित्रों और परिवार के साथ आप पिकनिक मनाने या भ्रमण करने का भी एक अच्छा दिन है। आप अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। युवाओं को दोस्तों और रिश्तेदारों से उपहार और शुभकामनाएं प्राप्त हो सकती हैं। आप एक नए रिश्ते का आरंभ भी कर सकते हैं। यात्राओं से मनवांछित और सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपको अपने कार्य के लिए पुरस्कार, सुखद परिणाम और प्रशंसा की प्राप्ति रहेगी। आपकी आय और मुनाफे में वृद्धि होगी। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप ऊर्जा और उत्साह से नए प्रभाव का अपने अंदर अनुभव करेंगे। आप खुशी और संतोष का भी अनुभव रखेंगे। आज का दिन खुशहाल और परिपूर्ण व्यवहारिक जीवन का आप आनंद भी ले पाएंगे। लोग आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों में एक प्रबल प्रभाव बनाने में सक्षम होंगे। परंतु यात्रा के हिसाब से आज का दिन बिल्कुल भी शुभ नहीं है, तो आपको यात्राएं नहीं करनी है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए चुनौती भरा रहेगा। आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके आसपास के लोग आपके रिश्तों में मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुँचा सकता है। आवश्यक होने पर ही आपको यात्रा करनी है, अन्यथा आप टाल सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आज आपको पेशे में सफलता प्राप्त होगी। कारोबार में लाभदायक अवसर उभर कर रहेंगे। नौकरीरत व्यक्तियों को उच्च अधिकारी के साथ काम करने पर उनको पुरस्कार भी मिल सकता है। स्वास्थ्य में आपके लाभ रहेगा। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। यात्रा आपके लिए अनुकूल है। यात्रा के उद्देश्य आपके लिए फलीभूत होंगे। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आप दफ्तर या राजनीति की चोलखोरी का आप शिकार बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद होने की संभावना है। किसी पुराने दोस्त से रास्ते अलग हो सकते हैं। आपको गंभीर बहसबाजी से बचना है। स्वयं के व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी नई साझेदारी शुरू करने के लिए समय अच्छा नहीं है। काम संबंधी व्यापार यात्राओं की संभावना है, बट यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की बहुत जरूरत है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आज आपके फैसले सार्थक और विश्वसनीय रहेंगे, अतः अपने वित्तीय मामलों में निर्णय लेने के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। आप कार्यस्थल पर अपनी योग्यता साबित करने में सक्षम रहेंगे। सहकर्मी सहायक रहेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के साथ आरामदायक व सुखद शाम बिताने की मनोदशा में रहेंगे। आज चाहे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, गतिविधियाँ हों, चाहे वो व्यक्तिगत हों, चाहे व्यवसाय संबंधी हों, आपको एक आशाजनक परिणाम मिलेंगे। छोटी यात्राओं का भी संकेत मिल रहा है और इन यात्राओं से आपको लाभ होने की संभावना है। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली है।
आपकी किस्मत आपको उन ऊंचाइयों पर ले जा सकती है जिनका स्वप्न आपने कभी ना देखा हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सामाजिक मिलाप के लिए भी दिन अच्छा है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, नए लोगों से मिलेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आपके भविष्य में एक जीवन भविष्य में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित हो जाएंगे। व्यवसायी और व्यवसाय व्यापारिक समुदाय में कार्य का विस्तार करने में आप सक्षम रहेंगे। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। भले ही आज आपकी किस्मत अच्छी है, सुझाव है कि आप विनम्र रहें, अपनी क्षमताओं को परे ना करें। मानसिक तनाव, दिमागी दबाव और सिरदर्द आपके लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे। दूसरों की आलोचना करने में अपना समय आप बर्बाद ना करें। आपको कई बातों से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं, तनाव में भी वृद्धि हो सकती है, आप और आपके दोस्तों के बीच तकरार भी हो सकती है, खर्चों में वृद्धि आपके परेशानी का कारण बन सकती है। अपेक्षा के अनुसार आपको परिणाम न मिलने पर आप निराश ना हो। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आज आपको अपने सामान की देखभाल करने की जरूरत है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए उत्कृष्ट है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर हालात आपके लिए अनुकूल रहेंगे। जीवन शैली बदलने के किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। आप आशावादी और प्रेरित रहेंगे। आज का दिन अपनी भावनाओं को बांटने के लिए अपने साथी के साथ एक उत्तम दिन है। आपके अतीत का कोई परिचित आपके संपर्क में आ सकता है और एक दिन को इस दिन को यादगार बना देगा। आप मजबूत और विश्वसनीय सूझबूझ के चलते वित्तीय मामलों में संबंध में निर्णय लेने का एक उत्तम समय है। आज आप निर्णय ले सकते हैं। इस समय किया गया निवेश आपके भविष्य में बहुत लाभ देगा। भविष्य बच्चों के भविष्य के लिए भी आप कुछ फंड में निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आज का दिन एक अनुकूल दिन है। फिजा में रोमांस है। यदि आप अविवाहित हैं तो एक नए अपने रिश्ते की या एक नए प्रपोजल की आप संभावना कर सकते हैं। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि दिन की शुरुआत में उस समय तनावपूर्ण रहेगा, परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपके ऊर्जा स्तर में सुधार होता जाएगा। फंड और निवेश के मामलों में आपको बच के रहना है। व्रत की वस्तुओं पर आपको अनावश्यक खर्च नहीं करना है। आप अलग अलग शहरों में यात्रा कर सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होगी। आप सभी का दिन आज शुभ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।